हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट पेंडिंग थी कि नेक पीस बनाओ, तो मुझे लगा आज क्यों ना बना ही दिया जाए। तो अपने पिटारे में से फटाफट मैंने कोरस कॉटन निकाला, साथ में मैंने ग्लू लिया है और हमें चाहिए डिफरेंट साइज के मिरर्स। मैंने यहाँ पे 3 साइज के मिरर लिए हैं, तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने बड़े वाले मिरर को सेंटर में लगाया और ब्लू कलर के सिल्क थ्रेड को लिया, जिसको हम ग्लू की हेल्प से अटैच करेंगे। तो मैंने साइड में ग्लू अप्लाई कर दिया है, उसके साइड साइड में हमें ब्लू थ्रेड को रोटेट करना है। ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 15-20 राउंड सिल्क थ्रेड से लिए हैं। अगर आपका थ्रेड और भी थिन है तो आप थोड़े एक्स्ट्रा राउंड्स ले लेना। वीडियो लॉन्ग ना हो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। तो फाइनली हमें जो ब्लू थ्रेड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें लेनी है बीड चेन, जिसे हम थ्रेड के साइड में अटैच करेंगे। बीड चेन को भी मैंने यहाँ पे ग्लू की हेल्प से अटैच किया है, अगर आप चाहो तो थ्रेड की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हो। तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने साइड में ग्लू लगा लिया है, हमें चाहिए हाफ बीड और एक एक करके हम साइड में हाफ बीड लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 टाइप के पैटर्न लिए हैं। फर्स्ट पैटर्न जो मैंने सेंटर में लिया है उसमें मैंने साइड में हाफ बीड लगाए हैं। सेंटर मिरर के साइड वाले 2 मिरर हैं उनमें मैंने हाफ में हाफ बीड और हाफ में मैंने सीक्वेंस लिए हैं, और उसके साइड वाले मिरर्स में मैंने सिर्फ सीक्वेंस लिए हैं। सेंटर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद साइड वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के सीक्वेंस लिए हैं। एक एक करके मैं हाफ पार्ट में सीक्वेंस लगाऊंगी और हाफ पार्ट में मैं हाफ बीड लगाऊंगी। आपको जो भी पैटर्न पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग बीड्स और सीक्वेंस लगा सकते हो। मेरे को ये वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो साइड वाले मिरर का काम भी हो गया है, अब हमें लास्ट मिरर्स का काम करना है जो सबसे स्मॉल वन थे। तो साइड में मैंने बीड चेन लगा दी है, इसको मैं साइड कटर प्लायर की हेल्प से कट कर लूंगी और अब इसके साइड में हमें सिर्फ सीक्वेंस लगाने हैं। एक एक करके मैंने सीक्वेंस लगाना स्टार्ट किया। सीक्वेंस लगाना मेरा फेवरेट पार्ट है। इस पूरी वीडियो में आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है आप मुझे जरूर कमेंट करना। तो यहाँ पे स्मॉल मिरर्स का काम भी हो गया है, तो मैंने सारे जो 5 मिरर्स थे उन पे काम कर लिया है। अब मैं इन्हें सीजर से कट करूंगी। कट करने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे 5 पीसेस बनाए हैं, अगर आपको लगे तो आप ज्यादा पीसेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने व्हाइट कॉटन फैब्रिक लिया है जो मैं इसके बैक साइड में लगाऊंगी, ताकि जो इसकी सरफेस है वो हमें गले पे बिल्कुल स्मूथ फील हो। फैब्रिक लगाने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। अभी ये आपको जो थोड़े बहुत निशान दिख रहे हैं ये भी ग्लू के हैं, ड्राई होने के बाद ये भी नहीं दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के स्टोन्स लिए हैं और साथ में मैं सिलिकॉन थ्रेड लूंगी, जिसकी हेल्प से हमें ड्रॉप्स बनानी है। ड्रॉप्स बनाते टाइम सारे बीड्स को थ्रेड में इंसर्ट करने के बाद लास्ट बीड को हम साइड में रखेंगे और थ्रेड को वापस सारे बीड्स के अंदर से इंसर्ट करेंगे। सेंटर के पार्ट में मैंने 7 ड्रॉप्स लगाई हैं और साइड में 5 ड्रॉप्स लगाएंगे। तो एक एक करके मैंने सभी पार्ट पे ड्रॉप्स लगा ली हैं। सभी पार्ट्स पे ड्रॉप्स लगाने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमें इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जंप रिंग का यूज ले रही हूँ। जंप रिंग को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पंच प्लायर का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी से भी होल कर सकते हो, लेकिन पंच प्लायर से फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है। जंप रिंग को राउंड प्लायर की हेल्प से ओपन करके इसमें इंसर्ट करेंगे। 5 पार्ट्स को हम एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। तो मैंने जंप रिंग इंसर्ट कर ली है। अब मैं जंप रिंग के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करूंगी, ताकि हमारा जो नेक पीस है उसके पार्ट्स हैं वो बाहर ना निकले। ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमें हमारा नेक पीस कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैं ऊपर की साइड चेन ऐड करूंगी। चेन के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर चेन ली है, जिसको मैं ग्लू गन की हेल्प से अटैच करूंगी। तो फाइनली हमारा नेक पीस बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।